सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वेल तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोज मोबाइल में। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए एक कस्टम रॉम का रिव्यू लेके आया हूँ हमारे मी A2 के लिए। एंड ये जैसे दो कौन सी कस्टम रॉम है दोस्तों आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो मैं बता दूँ कि आपको ये एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड मिल जाती है रॉम। एंड यहाँ पे दोस्तों और चीज़ों के बारे में आपको आगे जानकारी देने वाला है, इसमें क्या खास चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ये यूज़ करनी चाहिए, इसमें क्या आपको परफॉर्मेंस मिलती है, क्या बैटरी बैकअप वगैरह है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपने वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ लॉक स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं तो ऐसी देखने को मिलती है ना। आपको मैं इसका बूट एनिमेशन दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार ये रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। एंड ये ANB डिवाइस में जो कि मैं पुराने वीडियोज़ बनाए हैं तो उसके थ्रू ही आप इसको फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव स्लॉट में ही फ्लैश होती है रॉम। जल्दी से आप इसका बूट एनिमेशन देख लीजिए पहले तो। यहाँ पे दोस्तों ये फ्लैश होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये मुश्किल से इसने 30 सेकेंड के अंदर अंदर हो गई रॉम बूट हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों और चीज़ों की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ये सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं, बेसिक्स ऐप हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऐप्स डाले हैं एंड यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर भी आपको ये देखने को मिलता है। ये चलते हैं आपको सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में चलते हैं अबाउट फोन में। अबाउट फोन के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम मॉडल, तो मॉडल यहाँ पे छोड़िए, एंड्रॉइड वर्जन की चले तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन आपको 12 देखने को मिलता है और एक्सटेंडेड वर्जन USB एक्सटेंडेड वर्जन 9.1 ऑन ऑफिशियल देखने को मिलता है। सिक्योरिटी अपडेट 2022 का 5 जुलाई काफ़ी पुराना है। एंड ये अपडेट होगा क्या देख लेते हैं, वैसे इसमें है तो नहीं, इसको साइड करते हैं। तो यहाँ पे और ये चीज़ है, कर्नल वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे 4.4 बेस नेको कर्नल लाइट वर्जन मिल जाता है आपको यहाँ पे कर्नल का। एंड यहाँ पे और बैक आते हैं तो और यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चेंज लॉग भी अगर आप देखना चाहते हो इसमें आपको कुछ चेंज लॉग नहीं मिलेगा सिवाय सिक्योरिटी अपडेट के, देखो और कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ पे। सिस्टम में चलते हैं, सिस्टम में आपको यहाँ पे अगर अपडेट की बात करिए तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट में कुछ देख रहा है एंड्रॉइड 13 आ चुका है, बट मैंने अभी एंड्रॉइड 13 किया नहीं है जो कि मैं अभी करूँगा, तो मैं उसके बाद आपको उसकी और बाकी चीज़ें भी अब ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट और ले चलते हैं आपको, सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाऊँ तो वही सारी आपको सेटिंग्स देखने को मिलती है। एक्सटेंशन की बात करिए तो यहाँ पे बैटरी सेटिंग्स हो गए, क्लॉक एंड डेट सेटिंग्स, स्टेटस बार आइटम्स, ट्रैफिक इंडिकेटर्स वगैरह मिल रहा है, कैरियर लेवल और मिक्स एक्सटेंशन में AX का लोगो, 4G आइकन वगैरह, ये सारी सेटिंग्स हैं। फिर वही यहाँ पे एक्सटेंशन की US पैनल में वही है, नेविगेशन बार वगैरह है और यहाँ पे लॉक स्क्रीन वगैरह का है। एंड यहाँ पे फिर बैटरी का मिल जाता है, सिस्टम का बटन्स वगैरह, बैटरी चार्जिंग लाइट आपको मिल जाती है, अगर आप लगाना चाहें तो कर सकते हैं। और कस्टमाइजेशन वगैरह में वही आपको ऑप्शन मिलते हैं, फिर जनरल टिक्स वगैरह में टोस्ट ऐप आइकन और चार्जिंग एनिमेशन है बस, यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिटेल चीज़ें नहीं है। और ले चलते हैं भाई यहाँ पे आपको ऐप की बात की जाए तो यहाँ पे गूगल कैमरा गो मिल जाता है आपको, तो जो कि आप ये यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बोलूँ गूगल कैमरा या यूज़ या तो MIUI का कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर लीजिए। और नेक्स्ट चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे आपको N22 बेंचमार्क का स्कोर दिखाएं, तो उससे पहले मैं ले चलूँ गीक बेंच के स्कोर पे, क्योंकि गीक बेंच का अगर आपको स्कोर दिखाते तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आते हैं सेटिंग्स में एंड कंफर्म करते हैं यहाँ पे स्किप, पहले तो ये स्किप हो तो एंड लाइब्रेरी में जाते हैं हम स्क्रीनशॉट्स में। स्क्रीनशॉट्स में अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों बैटरी थी 76% और 1057 हो रहा था जब मैंने ये चार्जिंग स्टार्ट करी थी गीकबेंच की। और यहाँ पे गीकबेंच की स्कोर की बात करिए तो यहाँ पे देखिए 357 देखने को मिला, 1038 मल्टी कोर पे मिला है। एंड यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिंगल कोर फुल परफॉर्मेंस देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर तो और चीज़ों की बात करिए तो यहाँ पे मैंने टेस्ट कर लिया तो यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा था भाई, 68% बैटरी 1114 टाइम हो रहा था। फिर और मल्टी कोर की परफॉर्मेंस है दोस्तों ये तो आप देख सकते हैं इसको भी, और यहाँ पे ये है मल्टी कोर मेन एंड यहाँ पे सिंगल कोर की भी मिल जाएगी। तो आप इनकी सबकी लिंक आपको गूगल ड्राइव की अगर चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बता दिए, मैं डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं। MIUI A2 की और चीज़ों की बात करिए तो यहाँ पे भाई दिखा दूँ कि 38 डिग्री सेल्सियस पे फिर 67 बैटरी थी, परसेंट बैटरी थी और 11:19 मैंने CPU थ्रॉटल स्टार्ट किया और 11:26 तक चला, 7 मिनट चला है, यहाँ पे 60% बैटरी आ गई। अगर ग्राफ की बात करिए तो बहुत प्यारा ग्राफ देखने को मिला, मैक्सिमम 119 है, एवरेज 108 है, मिनिमम 95 है और ये यहाँ पे 1.84 GHz पे बेस्ड है और 2.20 GHz पे बेस्ड है। और टेम्परेचर की बात की जाए टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये है कि अगर गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट जरूर होगा है ना। और यहाँ पे 11:26 PM हो रहा AM हो गया था, अपन ने स्टार्ट किया दोस्तों 11:19 पे जब 7% बैटरी थी और यहाँ पे 60% बैटरी आ गई 7 मिनट में, मतलब 60% रेन भी हो गई।
अब ले चलते हैं आपको मेन एंटूटू मैच का स्कोर पे, जो कि मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब अभी तक की मैंने जितनी भी रॉम्स अभी तक लाया हूँ उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर इसका देखने को मिला, 2,09,000 का स्कोर, जो कि काफ़ी मायने रखता है। एंड इसकी डिटेल की बात की जाए CPU में 66,000 मिल रहा है, GPU 34,000 मिल रहा है, MEM 44,000 मिल रहा है, UX 63,000 मिल रहा है। 40 डिग्री से 41 डिग्री भी पहुंचा, फिर वापस ड्रेन हुआ, फिर वापस इंक्रीमेंट हुआ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट हुआ, और 3% बैटरी गई 15 मिनट में, जो कि भाई अच्छी बात है, ज़्यादा बैटरी भी नहीं गई। तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी बैकअप की अगर बात कर लेता, तो यहाँ पे अगर मैं बैटरी बैकअप वाला दिखाऊँ तो यहाँ पे 9 घंटे का मिल रहा है सिर्फ 60%, जो कि ठीक है, अगर इतनी चल जाती तो अच्छी बात है। तो बैटरी बैकअप के दो भाई मामले में देखिए दोस्तों, सारी रॉम्स एक ही तरह मिलती है, आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ऑफकोर्स 3,000 mAh बैटरी है तो ज़्यादा आपको क्या ही रखेंगे, बट परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में दोस्तों अच्छा है, आप गेमिंग कर सकते हैं, 5 घंटे आराम से चलेगा गेमिंग में 100 से 0 होने में, तो आप गेमिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। मैं बोलूँगा भाई अगर BGMI वगैरह खेलते हो तो GFX जरूर यूज़ करिएगा। GFX वगैरह की लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेरे वोवो मोड्स वाले जो मेरा चैनल आ चुका है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी दिक्कतें हैं अभी भाई, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं तो मैं थोड़ा सा उसमें फंसा हुआ इश्यूज में, वही सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड ऑल काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह को लेके, तो मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। एंड भाई मेरे पास कोई रेवेन्यू भी आ नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा मेरे को वही दिक्कत वाली चीज़ आ रही है, तो इसलिए मैं जल्दी से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। अगर आप डोनेशन वगैरह करते हैं, प्राइम मेंबरशिप वगैरह लेते हैं अगर हमारे चैनल की, जिसमें आपको मूवीज मोड वगैरह हर एक चीज़ मिलेगी, तो आपको ज़रूर वहाँ पे जल्दी से जल्दी तुरंत के तुरंत अपडेट्स आपको मिल करेंगे, मोड्स हो गए, मूवीज हो गई, गेम्स हो गए, सब कुछ के। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कस्टम रॉम, जो भी आपके फ़ोन की कस्टम रॉम आपको पर्टिकुलरली चाहिए है, आप अगर वो चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, तो आपको सारी आपकी पर्टिकुलर जो भी स्मार्टफोन यूज़ कर उसकी फ्लैशिंग गाइड एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको दोस्तों आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में, मतलब मैंने टेलीग्राम मेरा चैनल है डिस्क्रिप्शन ग्रुप, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इस रॉम के बारे में और कुछ खास चीज़ें हैं नहीं भाई, जो भी थी तो मैंने आपको बता दी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन मैंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक हर चीज़ की लिंक देकर रखी है, वहाँ से मेरे को बता सकते हैं। मैं बोलूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए, वहाँ पर मेरे को कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं वहाँ पर जल्दी रिप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स कम देखता हूँ, तो अब वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।